हेलो एवरीवन, आप सभी आंगनवाड़ी सेविकाओं, सहायिकाओं का, आईसीडीएस जुड़े कर्मचारियों का फिर से एक नए वीडियो पर स्वागत है। जैसे कि आप सभी को अच्छे तरीके से मालूम है कि बिहार सरकार, नीतीश सरकार आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए जब भी कोई भी किसी प्रकार की घोषणा करती है, उसकी सूचना कई माध्यमों से, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ साथ न्यूज़पेपर और नोटिफिकेशन के माध्यम से भी जारी करती है। इसी के संबंध में आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए घोषणा जो नीतीश सरकार ने की है कि 12,000 नए आंगनवाड़ी केंद्रों को खोले जाएंगे और अभी जो है 1 लाख से अधिक आंगनवाड़ी केंद्र फिलहाल चल रहे हैं, तो इसके संबंध में जो है उनकी ओर से ट्वीट किया जा चुका है, जिसके बारे में आपको इस वीडियो में जानकारी देखने को मिलेगी। अब 12,000 जो नए केंद्र खुलेंगे वहां पर बिल्कुल फ्रेश और नई सेविका, नई सहायिका की बहाली होगी। साथ में जो केंद्र को अपग्रेड करके बड़ा केंद्र बनाया गया है, मिनी केंद्र को, वहां भी सहायिका की बहाली बहुत जल्द होने जा रही है। चलिए डिटेल में आपको खबर आगे दिखा देता हूँ। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले यहाँ पर आपको सुशासन बाबू का फोटो यानी कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का फोटो दिखाई दे रहा है। ये उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड, इनका चुनाव चिन्ह यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तिरछाप। यहाँ पर आपको इनके द्वारा जो है एक नोटिफिकेशन, जो है एक पोस्टर जारी किया गया है, जो सीधे सीधे आंगनबाड़ी केंद्र की घोषणाओं के संबंध में है। यहाँ से यहाँ तक देखिए, बड़ा शीर्षक है कि सबका ख्याल रख रही नीतीश सरकार, यहाँ पर इन इस सारी चीज़ों को लिख करके जारी किया गया है। अब यहाँ पर देखिए कौन सी चीज़ों की घोषणा महत्वपूर्ण रूप से की गई है कि राज्य में 1200 नए आंगनबाड़ी केंद्र खुलेंगे। जी हाँ, 1200 नए आंगनबाड़ी केंद्र खुलेंगे यानी बिल्कुल फ्रेश होंगे। ये वैसे क्षेत्रों में खोले जाएंगे जहाँ पर बच्चों की संख्या ज़्यादा है, पोषक क्षेत्र जहाँ पर बड़ा है लेकिन आंगनबाड़ी केंद्र कम है, तो वहाँ पर उसको जो है सर्वे वगैरह करा करके डिटेल लेकर के ये केंद्र खोले जाएंगे। 1200 नए केंद्र का मतलब हुआ कि 1200 सेविका की नई बहाली होगी और 1200 सहायिका की बिल्कुल नई बहाली बहुत जल्द होगी। इसके अलावा आप सभी को मालूम है कि जो भी मिनी केंद्र थे उसको जो है सामान्य केंद्र में अपग्रेड कर दिया गया है, तो वहाँ भी जो है 7,000 सहायिकाओं की बहाली होने वाली है, क्योंकि वहाँ अब सहायिका की भी नियुक्ति होगी, क्योंकि मिनी में सहायिका नहीं रहती है, बड़े केंद्र में सहायिका की जरूरत होती है। तो ये बहाली जो है आंगनबाड़ी केंद्र की सेविका और सहायिका के संबंध में बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी। वैसे भी आपको मालूम है कि टीचर की बहाली फिलहाल कितनी ज़्यादा संख्या में चल रही है, क्योंकि चुनाव वगैरह भी आने वाला है और नीतीश सरकार रोजगार पर फोकस कर रही है। वर्तमान में 1 लाख से अधिक केंद्रों का संचालन बिहार में हो रहा है। यहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्र में पढ़ते बच्चों का फोटो और यहाँ पर आंगनबाड़ी का फोटो दिया गया है। तो इस प्रकार आप लोग देख पा रहे हैं ये घोषणा जो नीति सरकार की ओर से बिहार आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए की गई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।